बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर इज इकरा शहजादी, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू द कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इन बेसिक टर्म, कंप्यूटर नेटवर्क इज डेटा कम्युनिकेशन आवर कनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेज। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब आपकी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं तो ये कनेक्शन उनका क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये जो आपकी दो डिवाइसेज हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड हैं, वो पाथ, वो वे जिसके थ्रू ये कनेक्टेड हैं, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम। हम ये कह रहे हैं कि दो डिवाइसेज आपकी कनेक्टेड हैं। अब दो डिवाइसेज, उन दो डिवाइसेज में आपका एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर है। सोर्स एक आप सोर्स कह सकते हैं, दूसरे को आप डेस्टिनेशन कह सकते हैं। अब सोर्स डाटा सेंड कर रहा है, मींस सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। अब सोर्स डाटा सेंड कर रहा है, डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंच रहा है, सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर डाटा रिसीव कर रहा है। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, उस पाथ के थ्रू, उस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जिसके थ्रू आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। वो पाथ जिसके थ्रू आपकी दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो पाथ आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन मीडियम। अब वो पाथ वाइड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका मीडियम है, आपकी कोई केबल भी हो सकती है, कुछ सिग्नल्स के थ्रू डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकती हैं, सेटेलाइट्स के थ्रू डिवाइसेस जो हम कनेक्टेड हो सकती हैं। तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की सिंपल टर्म में बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्शन करती हैं जब, तो इस उनके कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स। और वो कनेक्शन कैसे करती हैं, वाइड मीडिया के थ्रू या वायरलेस मीडिया के थ्रू। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो वो किस पर्पज के लिए इंटर कनेक्ट करते हैं, किस पर्पज के लिए वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, उनका पर्पज बेसिकली क्या होता है कि उसमें वो डेटा कम्युनिकेशन कर सकें, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर सकें। नेक्स्ट क्या है कि जो कंप्यूटर है वो आपके कैसे कनेक्टेड होते हैं, किसी कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। वो आपका मीडियम कोई भी हो सकता है, आपका वाइड मीडियम भी हो सकता है या वायरलेस मीडिया हो सकता है, ठीक है, कॉपर वायर्स हो सकती हैं, इसमें रेडियो लिंक्स हो सकते हैं, और ये जो आपके पास डिवाइसेज हैं वो डिवाइसेज आपकी किसी भी तरह का कंप्यूटर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो आपका नेटवर्क है इसमें ये नहीं है कि ये जो आपकी नोड्स हैं, ये जो आपके डिवाइसेज हैं वो एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये जो आपकी डिवाइसेज हैं वो किसी एक रूम में हो सकती हैं, किसी एक बिल्डिंग में हो सकती हैं, एक सिटी में हो सकती हैं, कंट्री में हो सकती हैं, या कहीं पर भी वो लोकेटेड हो सकते हैं। मीन्स कि वो जियोग्राफिकली एक दूसरे के पास नहीं पड़ी होती, वो जियोग्राफिकली डिस्टेंस पर होती हैं। नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स ने क्लाइंट सर्वर मॉडल की फॉर्म में वर्ल्ड के सामने एक फ्रंटियर ओपन किया। अब हम ये देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल की फॉर्म में कैसे इसने ओपन किया है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपके पास एक कंप्यूटर होता है जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, और एक सर्वर होता है, एक कंप्यूटर होता है जिसको आप सर्वर कहते हैं। अब सर्वर कौन सा कंप्यूटर होता है, वो मेन कंप्यूटर जहां पर आपके सारे रिसोर्सेज पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट का क्या काम है, वो नोड जो रिक्वेस्ट प्लेस करता है, ठीक है, वो नोड जो आपका रिक्वेस्ट प्लेस करता है उसको आप क्लाइंट कहते हैं। सर्वर का क्या काम है कि सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेता है, उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसकी इसकी रिक्वेस्ट के रिकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है इसमें एक क्लाइंट है, दूसरा सर्वर है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। अब क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है, उसकी रिक्वेस्ट डाटा की फॉर्म में हो सकती है, उसकी रिक्वेस्ट उसकी रिसोर्सेज की फॉर्म में हो सकती है। अगर हम डेली लाइफ में क्लाइंट सर्वर मॉडल की एग्जाम्पल देखें तो जब आप मैकडोनल्ड्स पर जाते हैं, मैकडोनल्ड्स पर जाके आपको क्या रिक्वेस्ट पेश करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गिव मी अ बर्गर। मैकडोनल्ड्स इस सिचुएशन में क्या करता है कि आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए एंड पे आपको कैसे रिस्पॉन्स करता है कि जो आपने ऑर्डर किया होता है वो ऑर्डर आपको देता है, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, उसमें जो नोड रिक्वेस्ट प्लेस करता है उसको आप क्लाइंट कहते हैं। जो सर्वर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहां पर आपके सारे रिसोर्सेज पड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं। मल्टीपल एडवांटेजेस हैं लेकिन यहां पर उनमें से लिमिटेड और हमने डिस्कस किए हैं। पहला क्या है, कम्युनिकेशंस, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, शेयरिंग फाइल्स, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन,
sharing data, sharing hardware, security, information, preservation, file sharing. जब computers एक दूसरे के साथ connected हैं, ठीक है, अगर वो किसी भी, अगर वो directly connected हैं, wide media के through connected हैं, अगर wide, तो क्या होगा कि वहां पर file sharing बहुत easy हो जाएगी. Next क्या है आपका, resource sharing. All computers in the network can share resources such as printer, fax machines, scanners and modems. अब रिसोर्स शेयरिंग किस फॉर्म में आएगा कि लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर एक ऑफिस है, ठीक है, उसमें चार नोड्स हैं, ठीक है, और उन चार नोड्स के साथ आपने चार प्रिंटर अटैच किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कम थे इसलिए हमने उन सब के साथ हमने प्रिंटर अटैच कर दिया. लेकिन क्या होगा अगर आप नंबर ऑफ नोड्स को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, फोर की जगह पर अगर आप 400 बनाकर आपके जो नंबर ऑफ नोड्स की नंबर ऑफ नोड्स एक्सटेंड होकर 400 तक जब जाएंगे तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप हर नोड के साथ एक एक प्रिंटर अटैच करेंगे. अगर आप आपके पास 400 नोड है तो आपको 400 प्रिंटर अटैच करने पड़ेंगे. जब आप 400 प्रिंटर अटैच करेंगे तो ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा. तो हम ये 400 प्रिंटर अटैच करने के बजाय हम क्या करेंगे कि हम एक प्रिंटर उस उन डिवाइसेस के साथ अटैच करेंगे. अब हम वो उन डिवाइसेस के साथ कैसे अटैच करेंगे, किसी वायर के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू. डिवाइसेस, जिस भी डिवाइसेस को ने प्रिंटिंग की कमांड करनी है वो क्या करेगी, उस मीडिया को यूज करते हुए उसको रिक्वेस्ट करेगी. तो ये किस चीज, किसकी वजह से पॉसिबल है, नेटवर्क्स की वजह से. नेटवर्क के बगैर आप देखें, वो जो आपका मीडियम है, ठीक है, मीडियम जो है वो क्या कर रहा है, आपके प्रिंटर को डिवाइसेस के साथ कनेक्शन करके क्या कर बना रहा है, उनका एक नेटवर्क बना रहा है. नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्युनिकेशन. दोज ऑन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस एक्सेट्रा. अब अगर ये जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं मोबाइल के थ्रू, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये कैसे होती है, आपका मोबाइल किसके साथ कनेक्टेड होता है, या ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है. बेसिकली जो हमारे टावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिग्नल रिलीज कर रहे होते हैं, सिग्नल को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं सिग्नल्स के थ्रू. तो ये जो कंप्यूटर, ये जो आपका मोबाइल है, इसका जो टावर के साथ कनेक्शन है, ये भी किसकी, किस रीजन पर है, किसकी भी, किस पे बेस कर रहा है, ये भी नेटवर्क्स पे बेस कर रहा है. नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सेस. जितने भी नोड्स आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उसमें क्या है कि वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से अगर उन्होंने कोई भी, अगर तो वो आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है तो फिर क्या होगा कि सारे ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका कोई मेन कंप्यूटर नहीं होता उसमें क्या होता है कि आपके सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्या, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन. आप नेटवर्क्स की वजह से अगर आपके के जो नोड्स हैं वो जियोग्राफिकली डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही जगह पर नहीं है, एक ही लोकेशन पर वो नहीं पड़े हुए, तो अगर आपने आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन पर पड़े हुए हैं तो वहां से भी आपकी जो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ईजी है. और ये किसकी वजह से है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. पहले इसमें क्या है, सिमल्टेनियस एक्सेस का मतलब क्या है कि जब आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो एट अ टाइम मल्टीपल जो, अगर आपका एक सर्वर कंप्यूटर है उसके साथ मल्टीपल जो नोड्स जुड़े हुए हैं और उसमें क्या होगा कि दोनों नोड्स एट अ टाइम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इस रिक्वेस्ट को आप कॉन्करेंट रिक्वेस्ट कहते हैं या आप इस एक्सेस को कॉन्करेंट एक्सेस कहते हैं. नेक्स्ट आप पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कम्युनिकेशन के अबाउट शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं. जितनी भी कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली जो डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं, चाहे वो आपके इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या आती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं. और जो नेटवर्क्स है वो किस लिए यूज होते हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करने के लिए. अब जब भी आपने कोई बैकअप लेना होता है या इजियर, तो ये बैकअप भी किस के थ्रू पॉसिबल है, नेटवर्क्स के थ्रू पॉसिबल है. और ये जैसे कि आजकल आपको जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है नेटवर्क का, वो क्या है कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है, आपका जो गूगल है वो आपकी मेल के साथ 25 GB जो है आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये भी किसकी वजह से है, ये भी नेटवर्क की वजह से है. आप 25 GB, आप अगर आपके पास एक ऐसा नोड है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी जो स्टोरेज का इशू है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो डाटा है, जो आप गूगल आपको क्लाउड प्रोवाइड, जो क्लाउड आपको स्पेस दे रहा है, आप वहां पर उस डाटा सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर की टाइप्स क्या क्या है. नेटवर्क की टाइप्स क्या क्या है, नेटवर्क की
नेटवर्क को जो कैटेगराइज किया गया है वो किस बेस पर कैटेगराइज किया गया है, उसके साइज के बेस पर, ठीक है। अब वो कंप्यूटर जो है वो कितना एरिया कवर कर रही हैं, उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, इस बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट हमने किस बेस पर इनको कैटेगराइज किया है कि वो उनका जो मीडियम है वो क्या है, वो वायर्ड मीडिया है या वायरलेस मीडिया है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमारा है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर या फिजिकल लेआउट जो होता है कंप्यूटर का, ठीक है। अब अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स की बेस पर बेसिकली हमारे पास तीन फैक्टर है, हमने साइज के बेस पर और उनका जो मीडियम है जो कनेक्शन है और उनकी अरेंजमेंट के बेस पर हमने अपने नेटवर्क्स को कैटेगराइज किया गया है। जो इसकी मेन कैटेगरीज हैं वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेकिन इसके अलावा आपका पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपका कैन है, कैंपस एरिया नेटवर्क। लेकिन जब भी कंप्यूटर की नेटवर्क की टाइप्स की बात होती है तो वहां पर मेनली ये तीन ही डिस्कस किए जाते हैं, लैन, वैन और मैन। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं हम कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क वाइडली यूज फॉर लोकल कम्युनिकेशन। LAN connects computer in a small area like a room, building, office or a campus separate up to a few kilometers. They are privately owned network to exchange information. आपका LAN कौन सा network है, LAN आपका एक room में, एक building में या number of buildings में, number of buildings का जो connection होता है वो आपका क्या कहलाता है, LAN। अब LAN जो LAN में basically जो number of nodes होते हैं वो भी limited होते हैं और ये क्या करता है कि small area cover करता है। बेसिकली लैन आपका क्या है, लैन आपके एक रूम का कनेक्शन है, एक बिल्डिंग का कनेक्शन है या नंबर ऑफ बिल्डिंग्स का कनेक्शन है। अच्छा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, बल्कि नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो हमने टोपोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये उसमें जो स्टार बस एंड रिंग टोपोलॉजी है वो आपकी लैन नेटवर्क टोपोलॉजी है, वो लैन नेटवर्क टोपोलॉजी क्यों है ये हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में देखेंगे। इसकी लैन की स्पीड कितनी है, 10 Mbps 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड, 100 नहीं है, 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड है। और अगर आपका लैन आपका कनेक्शन ऐसा है कि उसमें कोई डिवाइस यूज हो रही है, वायरलेस डिवाइस यूज हो रही है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। जब ये जो आपका लैन है इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी मिड में डिवाइस है ये आपका सर्वर कंप्यूटर है और बाकी ये जो सारे नोड इसके साथ कनेक्टेड है ये आपके क्लाइंट कंप्यूटर है। और इस लैन में भी कैसे वर्किंग होती है कि ये नोड जो है वो इसको सर्वर को रिक्वेस्ट प्लेस करता है, सर्वर क्या करता है उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके फिर उसको रिस्पॉन्स करता है। ये जो लैन का नेटवर्क है ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो ये जो आपके आपके कॉलेज में कंप्यूटर लैब है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर लैब का एक नेटवर्क होगा ये आपका क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और जो लोकल एरिया नेटवर्क में नोड्स होते हैं वो बेसिकली वायर के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है, वो वायरलेस मीडिया के थ्रू, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि वो वायरलेस मीडिया के थ्रू जुड़े होंगे, ज्यादा चांसेस में ज्यादा केसेस में क्या होता है कि वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अच्छा ये जो हमारा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके एडवांटेज क्या है कि आप अगर आपके डिवाइसेस, ठीक है, कनेक्टेड हैं तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे हमने इसके एडवांटेज देखे थे नेटवर्क के कि हम सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, हम डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो जब आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, जो क्लाइंट सर्वर पे बेस कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सारा डाटा है, सारे रिसोर्सेज कहाँ पर पड़े होते हैं, आपकी जो मेन डिवाइस है, जो सर्वर है, वहां पर पड़े होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जो आपका डाटा है इसमें सिक्योर होता है और जो ये डाटा है वो मल्टीपल नोड्स के साथ शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर आप, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जब आपकी मल्टीपल बिल्डिंग्स, ठीक है, मल्टीपल बिल्डिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन करती हैं तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। और मैन क्या होता है, मैन बेसिकली ग्रेटर देन लैन बट शॉर्टर देन वैन, ठीक है, मैन आपका लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आएगा कि अगर आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी है या आपका एक कॉलेज है, ठीक है, जिसकी एक ही सिटी में मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो उन ब्रांचेस का जो आपस में कनेक्शन है वो क्या कहलाता है, आपका मैन कहलाता है। और मैन कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, 30 to 50 किलोमीटर। उसकी जो एक थर्ड एग्जांपल है वो क्या है कि ये जो केबल और
टेलीविजन और केबल का कनेक्शन है, ये आपका कौन सा कनेक्शन है, मैन कनेक्शन है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसके एडवांटेज देखें एज कम्पेयर टू लैंड, तो ये एज कम्पेयर टू लैंड ज्यादा एरिया कवर करती है, और उसके बाद इसकी स्पीड भी एज कम्पेयर टू लैंड ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लैंड इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। मैन आपका क्या है, ठीक है, आपका लैंड क्या है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्शन होता है उसको हम लैंड कहते हैं, ठीक है। और मैन क्या है आपका, अगर एक ही सिटीज में आपकी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मल्टीपल बिल्डिंग्स जो है वो कनेक्टेड होंगी, तो वो मिलकर कौन सा नेटवर्क बना रही होंगी, मैन। जैसे कि यहाँ पर देखें आपको इस जो डायग्राम है इसको देखने से आपको ये जो पॉइंट है ये और क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में जो बेसिकली डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क में जो आपके नोड्स होते हैं वो एक ही जगह पर नहीं पड़े हुए होते हैं, बल्कि वो डिस्टेंस पर पड़े होते हैं, ठीक है। और ये अगर हम वैन की बात करें, तो ये अगर हम लैन का, कि लैन क्या है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन है, वैन क्या है आपका एक सिटी का कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका वैन है ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। अब वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या आता है, इंटरनेट आता है, ठीक है। अब अगर ये जो वैन में डिवाइसेस होती हैं ये कैसे कनेक्टेड होती हैं, ये आपकी वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। वैन जो है ये बेसिकली, जैसे यहाँ पर भी मेंशन है कि लीज लाइन मींस टेलीफोन लाइन यूज करते हैं, इसके बाद ये कम्युनिकेशन माइक्रोवेव सिग्नल्स यूज करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन जो होती है वो भी आपकी वैन के टर्म में आती है। नेक्स्ट अगर हम इस वैन में क्या होता है कि वैन एज कम्पेयर टू लैंड जो है स्लोअर होती है, कैसे स्लोअर होती है, चूंकि यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। ये जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वेदर है, एयर है, ये आपके जो नेटवर्क है इसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहले जो इसकी एग्जाम्पल है, जो मेन एग्जाम्पल है इसकी, वो है इंटरनेट। और नेक्स्ट हमारा इसमें और एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर आपके ये जो नादरा ऑफिस हैं, ठीक है, डिफरेंट सिटीज में ये नादरा ऑफिस हैं, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये इनका कनेक्शन क्या कहलाता है, वैन कहलाता है, ठीक है। और ये जो एटीएम्स होते हैं हमारे, एटीएम्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट सिटीज में एक ही बैंक के जो एटीएम्स हैं वो डिफरेंट सिटीज में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं, इनका कनेक्शन भी आपका क्या कहलाता है, मैन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वैन में डिवाइसेस होते हैं वो वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो वायरलेस मीडिया आपका माइक्रोवेव सिग्नल्स हो सकते हैं, आपके सेटेलाइट्स हो सकती हैं। तो इसमें वर्किंग कैसे होती है कि सेटेलाइट में, जैसे कि आप आपके जो सेटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, अर्थ बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, इसमें इनकी वर्किंग कैसे हो रही होती है कि आपके जो सेटेलाइट्स हैं, जो अर्थ बेस स्टेशन है वहां से सिग्नल्स कैच करती है, उसको एम्पलीफाई करके अगेन उसको सेंड करती है। तो जब वो अर्थ बेस स्टेशन से अपने सिग्नल्स कैच करती है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, अपलोडिंग कह सकते हैं। और उसके बाद जब उसको एम्पलीफाई करके दोबारा उसको सेंड करती है, तो इसको आप डाउनलोडिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा हमने मैंने कैंपस एरिया नेटवर्क की बात की, मैंने पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात की। कैंपस एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, जो आपके एक कैंपस का नेटवर्क है, मीन्स अगर आपकी आपका कॉलेज है, ठीक है, और उसमें मल्टीपल लैब्स हैं, ठीक है, दो तीन चार कंप्यूटर लैब्स हैं, इन चारों को जो लैब है इन चारों का कनेक्शन जो है ये आपका क्या कहलाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, ये जो आपके मोबाइल का नेटवर्क होता है ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने इंट्रोडक्शन देखा कंप्यूटर नेटवर्क का, उसके बाद हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल देखा, आफ्टर दैट हमने इसके एडवांटेज देखे, हमने यूजेस देखे, फिर हमने इसकी टाइप्स देखी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।